हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर पे। फ्रेंड्स, आज करने वाले हम इसके रॉकर फिटिंग। बहुत से भाई से टाइपिड भी बोलते हैं, सबका अपना अपना तरीका है मैकेनिक भाइयों का बोलने का। फ्रेंड्स, बाकी फुल डिटेल वीडियो किस तरीके से फिटिंग करें आप, जो कि आपके रॉकर अच्छे से फिटिंग हो जाए और गाड़ी का साउंड भी बेहतरीन निकले। बाकी फ्रेंड, बहुत से सोच रहे होंगे चश्मा लगा रखा है। फ्रेंड्स, अभी मेरे को हो रखा है आई फ्लू। अभी आपको हटा के दिखाता हूँ चश्मा। ये आप देख सकते हैं, आंखें पूरी सूजी पड़ी हैं और लाल हुई पड़ी है। और ये मैंने बच्चों का चश्मा ले रखा है। इसमें क्या है, फिटिंग पूरी प्रॉपर आ रही है, धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने ये छोटा चश्मा लगाया है बच्चों का। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और किस तरीके से रॉकर फिटिंग करने वो आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स, हमने सारे पार्ट अपने अच्छे से साफ कर लिए हैं। और जब भी आप इसके रॉकर फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स, जो आप ये सुराख देख रहे हैं, ये अच्छे से हवा मार कर साफ कर लें। इसी तरीके से पीछे भी है और एक सुराख यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इन सुराखों का ध्यान रखें कि हमेशा सही से खुले होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। कई बार इनमें बॉन्ड का कचड़ा वगैरह भी फंस जाता है, तो हमारी ऑयल नहीं चढ़ता है, उसकी वजह से भी टिक टिक और हाइड्रोलिक टाइपिड भी खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला भी है फ्रेंड, इसे भी अच्छे से हवा वगैरह मार के आप जरूर चेक करें। बाकी फ्रेंड्स, रॉकर लगाने से पहले ये हमारी ऑयल की लाइन है, इसे भी हवा मार के आप चेक कर लें, ये भी क्लीन होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर है एक ये सुराख, और इसी तरीके से एक ये सुराख है, और ऑयल फिल्टर वगैरह अच्छे से चेंज कर दें। ऑयल की लाइन आपकी क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल, नीचे से हवा मार के ऊपर तक चेक कर सकते हैं आप। बाकी रॉकर किस तरीके से फिटिंग करने हैं आप पूरी वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। बहुत से भाई आधी वीडियो देखते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो वीडियो मत देखना, अगर नॉलेज नहीं है तो पूरी वीडियो जरूर देखना फ्रेंड्स। करते हैं फिटिंग चालू, किस तरीके से करनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रॉकर लगाने से पहले ये दो टाइपिड रॉड हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। जो हमारी बड़ी वाली है फ्रेंड्स, वो साइलेंसर की तरफ लगेगी, हमेशा ध्यान रखें। और जो छोटी वाली है वो हमारी कार्बोरेटर की तरफ लगेगी, और दोनों लगाने के बाद कुछ बराबर रहनी चाहिए इस तरीके से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से ये हमारी 8 डावल है, जो कि एक यहाँ पर लगेगी, इनका भी ध्यान रखें आप। और दो हमारी यहाँ पर लगेंगी। इसी तरीके से इनको लगा देना है फ्रेंड्स। कि हमारी डबल फिटिंग होती है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स, इसका ये जो आप सुराख देख रहे हैं, ये हमारा ये सुराख ऑयल वाला, ये इधर रहना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसे बैठा देना है फ्रेंड्स, फिर हल्का हल्का हमें यहाँ पर ऑयल डालना है, जो कि हमारा गाड़ी स्टार्ट करते समय रॉकर सूखा ना चले फ्रेंड्स। कुछ इसी तरीके से बहुत से भाई से चिड़िया बोलते हैं, और इसको भी देख लेना, ये कभी कटा ना हो। अगर ये कटा होगा तो आपको नए डालने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी में टिक टिक की नॉइस बनी रहेगी फ्रेंड्स। बाकी इनको लगा लेते हैं फटाफट से, और इसी तरीके से हमें ऊपर ऑयल डालना है इसमें फ्रेंड्स। ऊपर ऑयल डालने के बाद जो इसका ऊपर वाला पीस है उसे लगा लेना हमें कुछ इस तरीके से। वीडियो आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ, खुद ही वीडियो भी बना रहा हूँ फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पीस भी इसमें लगा देना है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हल्का हल्का ऑयल इसमें भी डाल दिया हमने।
इसे भी अच्छे से चेक कर लेना, आपको सही है तभी लगाना है, अगर खराब है तो आपको नया डालना है। हो भी और 5 mm की एलेंकी लेनी है हमें। चार वोल्टेज के लगा देंगे हम। आज आपका इस वीडियो में एक डाउट भी खत्म हो जाएगा। बहुत से भाई इसके रॉकर टाइट करते हैं और स्टार्ट कर करके करते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। बाकी इसके बोल्टों को करते हैं टाइट फटाफट। और इसके जो बोल्ट करने हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे फुल टाइट कर देने हैं। बोल्ट फ्रेंड्स हमारे चारों चार इधर के फुल टाइट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और आगे क्या काम करना है वो भी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बोल्ट टाइट करने के बाद और हम जब इनके फुल बोल्ट फुल टाइट कर देंगे उसके बाद किक मारेंगे तो हमारी गाड़ी में प्रेशर नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप इसमें इंजन ऑयल डाल के 10 से 15 मिनट इस गाड़ी को छोड़ दें, अपने आप प्रेशर आ जाएगा, फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उसके लगा देते हैं रॉकर कवर वगैरह और वायरिंग वगैरह लगाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद फिर हमें क्या काम करना है वो भी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इंजन ऑयल भी डाल दिया गाड़ी में और अब किक मार के दिखाता हूँ आपको कंप्रेसर आया कि नहीं आया हमारा। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में कंप्रेसर भी आ चुका है फ्रेंड्स। बाकी ये सब कवर वगैरह लगा लेते हैं हम, इसके रॉकर कवर वगैरह लगा लेते हैं और गाड़ी की वायरिंग वगैरह हमने निकाल रखी है वो सब लगा लेते हैं। और उसके बाद क्या काम करना है, एक और काम करना हमें जरूरी, वो भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स, वो भी आपको बताएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलते हैं अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपकी गाड़ी में आप हेड सिलेंडर का या पूरे इंजन का काम करते हैं गाड़ी को जब भी स्टार्ट करें
कोशिश करें, अगर आपकी गाड़ी में किक है तो किक से ही स्टार्ट करें, सेल्फ का इस्तेमाल ना करें फ्रेंड्स। बाकी चाबी हमारी ऑन है गाड़ी की, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और 10 मिनट गाड़ी को छोड़ेंगे हम स्टार्ट। सिलेंडर अभी हमने नहीं लगा रखा गाड़ी में, 10 मिनट स्टार्ट छोड़ने के बाद फिर हमें क्या काम करना है वो भी आपको बताता हूँ। बाकी फ्रेंड्स हमारी गाड़ी को स्टार्ट हुए, 10 मिनट से ऊपर हो गए थे, अब हमें क्या काम करना है वो भी आपको बताता हूँ। इसके रॉकर कवर हमें वापस निकालने हैं दोबारा से फ्रेंड। फाइनली फ्रेंड्स अब जो ये एलन की बोल्ट हैं, एक बार और हमें अच्छे से चेक करने हैं, गाड़ी को गर्म करने के बाद इन्हें जरूर चेक करें। हमारे ये बोल्ट सारे टाइट हैं फ्रेंड्स, जो रॉकर की सेटिंग होती है इसी तरीके से होती है। पहले ठंडी गाड़ी में आपने फुल टाइट कर दिए, 10-15 से 20 मिनट आपको कुछ छोड़ना है, फिर उसके बाद कंप्रेसर आपका गाड़ी में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, जितना इसको हाइड्रोलिक को बैठना है वो उतना बैठ जाएंगे अपने आप। बहुत से भाई परेशान होते हैं, इनको खोल खोल के आराम आराम से ढीला कर करके बार बार टाइट करते हैं, आप इस तरीके से टाइट करें, वीडियो देख के आप समझ ही चुके होंगे फ्रेंड्स। बाकी इनमें और कोई सेटिंग नहीं होती, और टाइमिंग गाड़ी की सेटिंग किस तरीके से करी जाती है वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।